नमस्कार आदाब आप सभी लोगों को। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि दिल्ली के ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान से रिलेटेड है। दिल्ली में आजकल जो सोशल मीडिया पे और जगह मैं देख रहा हूँ, दिल्ली में इंक्रोचमेंट, कब्रिस्तान पे इंक्रोचमेंट बहुत हो रहा है। अभी रिसेंटली उत्तम नगर कब्रिस्तान पे हुआ, फिर उसके पहले तुगलकाबाद पे हुआ, और उसके बाद लाल मस्जिद जो निज़ामुद्दीन में है वहाँ पे हुआ। तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत, क्योंकि ये मुद्दे सोशल मीडिया पे और हर जगह चल रहे हैं, लोग एक्टिविस्ट इस मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं और उसका लीगल पहलू भी देख रहे हैं कि कैसे इसका सलूशन होगा, क्या किया जाए। लेकिन इसमें सवाल ये कि दिल्ली गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ में, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है वे बैक इन अक्टूबर 2016 दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के थ्रू एक बिड निकाला था जिसमें कि दिल्ली के अंदर जितनी भी कब्रिस्तान, जितने भी ग्रेवयार्ड आते हैं उस पर, चाहे वो एनसीटी के हो, चाहे वो डीडीए के हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड के अंडर हो या मास्टर प्लान 2021 के हों, उसके अंदर एक बहुत प्रैक्टिकल वे में बहुत थॉरो स्टडी होनी थी, उसका सोल्यूशन निकलना था। वो 2016 की बात है, 2018 हो रहा है, ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो गए। तो मैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस रिपोर्ट को पब्लिक करें, वो उस रिपोर्ट को पब्लिक करें, क्योंकि सोल्यूशन वहाँ से निकल के आएगा। और ये इंक्रोचमेंट का जो ग्रेवयार्ड का इंक्रोचमेंट का मामला है, ये हर दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन उस रिपोर्ट को अगर पब्लिक करती है तो उससे बहुत से सोल्यूशन, मुझे लगता है उससे सोल्यूशन निकल के आएंगे। और फिर उसके फिर फर्दर जो हैं, जो भी एक्टिविस्ट हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो आगे का इस चीज़ को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।